क्लास 12th, आई बराबर लिमिट है 0 to 1 2x upon 5x square plus 1। तो बच्चों लेट करना हम लोग को मालूम है सब्स्टिट्यूशन, तो 5x square plus 1 को टी लेट किया, यहाँ से 10x dx बराबर dt आ गया, दोनों में कॉमन 2x दिखेगा, तो इस 10x को 2x into dx बराबर dt by 5, तो इसकी जगह हमने लिख लिया dt by 5, तो dt upon 5 ये लिखा रहा। लिमिट एक बार चेंज होगी, x की जगह 0 रखेंगे, तो जब 0 रखेंगे तो 5 plus 5 into 0 plus 1 मीन्स t बराबर 1 आ जाएगा, नीचे ले लिमिट 1 हो गई। फिर 1 रखेंगे, जब 1 आप रखेंगे तो 5 into 1 plus 1 में 6 आपका आ जाएगा, तो एक ऊपर वाली लिमिट 6 हो जाएगी, तो 1 upon 5 ये हो गया, 1 upon t का log t हो गया, लिमिट 1 to 6, log 6 minus log 1 मीन्स 1 upon 5 log 6 आपका आंसर बन गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 sin inverse 6 dx, साइन इनवर्स 6 का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटू में 1 लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx का होल dx, लिमिट 0 टू 1 है दोनों जगह अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स 6 ये लिखा रहा, 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू 1 माइनस 0 टू 1 ये लिखा रहा, साइन इनवर्स 6 का 1 upon √1 minus x square, 1 का इंटीग्रेशन x dx, यहाँ लेट करेंगे 1 minus x square को t, तो यहाँ पर आ जाएगा -2x dx बराबर dt, और x dx की वैल्यू निकालेंगे -dt by 2 आ जाएगा। लिमिट फिर से आप अप्लाई करेंगे, 0 रखेंगे तो 1 minus 1 मतलब t की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर एक बार फिर यहाँ पर 0 रखेंगे तो t बराबर 1 आ जाएगा, तो ये आपका ऐसे ही करा, एक बार अपर लिमिट मतलब 1 रखा, एक बार फिर 0 रखा, यहाँ से 1 upon 2 आपका आ गया, लिमिट 0 to 1 to 0 हो जाएगी, dt upon √t आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना, ये π/2 - 0 आ जाएगा, ये 1 upon 2 into √t का 2 √t, और लिमिट 1 to 0, यहाँ पर लिमिट लगा ली 0 - 1 मीन्स π/2 - 1 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 cos θ sin³θ dθ, तो 0 से π/2 ये √cos θ हो गया, sin³θ को sin²θ into sin θ dθ, 0 से π/2 √cos θ ये लिखा रहा है, sin²θ को 1 - cos²θ sin θ dθ, लेट करते हैं cos θ को t, तो cos θ का -sin θ dθ बराबर dt sin θ dθ की वैल्यू -dt आ जाएगी, ये लिमिट एक बार 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक बार π/2 रखेंगे तो 0 आ जाएगी, तो लिमिट 1 to 0, यहाँ पर -dt आएगा, -dt हो गया, ये √t हो गया, ये 1 - t² हो गया, √t का अंदर मल्टीप्लाई करें तो √t - 2t² t^1/2 dt, ये आपका √t dt हो गया, t^5/2 dt हो गया, इंटीग्रेट करते हैं इसका t^2/3 t^3/2, लिमिट 0 to 1, ये 7/2 upon 7/2 0 to 1, 2/3 लिमिट रखेंगे 1 - 0 2/7, ये हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 1 - 0 2/3 - 2/7, 14 - 6 upon 21, मीन्स 8 upon 21 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 1/√2 sin inverse x upon 1 - x² x²^3/2 dx, तो बच्चों फिर यहाँ पर सही, इसको मैं पावर 3/2 को 1 × आधा लिख सकता हूँ, अगर मैं लेट कर लूँ साइन इनवर्स एक्स को टी, एक्स की वैल्यू निकालेंगे साइन टी आ जाएगी, काम पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 upon √1 - x² dx बराबर dt बन जाएगा, लिमिट रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0 मीन्स t बराबर 0 आ जाएगा, एक बार 1/2 रखेंगे तो π/4 हो जाएगा, अब लिमिट रखते हैं 0 to π/4 हो जाएगा, ये t dt upon 1 - sin²t, जो कि cos²t हो जाएगा sec²t, फर्स्ट सेकंड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड का अगर फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dt का होल dt, ये t हो गया, sec²t का 10t हो जाएगा, लिमिट 0 to π/4, 0 to π/4 t का 1, sec²t का 10t dt, लिमिट अप्लाई करेंगे π/4 10π/4 - 1 0 रख देंगे, फिर ये 10t का log sec t 0 to π/4, ये π/4 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस log sec π/4 - log sec 0, तो log sec π/4 की वैल्यू √2 - log 1 की वैल्यू 0 मीन्स π/4 log √2 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आपको ये करने हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बाकी जो दिक्कतें हों आप दिक्कतें पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टी 1 है a to b f(x) dx, कहीं a to b f(x) dx लिखा हो तो मैं अपने अकॉर्डिंग लिमिट को चेंज कर सकता हूँ, मीन्स a ऊपर चला जाएगा, b नीचे आ जाएगा, तो आगे वाला साइन चेंज हो जाएगा f(x) dx, ऐसे ही दूसरी लिमिट है a to b f(x) dx, ठीक है, तो अगर मैं x को t से चेंज करता हूँ तो dx और dt हो जाएगा, ऐसे ही तीसरी प्रॉपर्टी a to c f(x) dx, तो हम लोग जानते हैं, और a और c के बीच एक b होता है, तो जानते अगर हम चाहें तो इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं a to b f(x), और फिर b से ख़त्म किया तो b से ही स्टार्ट करेंगे, b to c ले जाएंगे, b to c f(x) dx, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट a to b f(x) dx है। तो प्रॉपर्टी 4 में करते हैं कि हर क्वेश्चन में लगनी है, दोनों लिमिटों को जोड़ देंगे और जहां x दिख जाएगा उसके साथ माइनस कर लेंगे, तो a टू बी f दोनों को जोड़ा a + b, और उसके साथ -x करेंगे, -x dx आ जाएगा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी 5 है -a2 + a f(x) dx, -a2 + a f(x) dx है। तो बच्चों ये दो तरीके का फंक्शन होता है, अगर f इज इवन हो तो f इवन का मतलब हुआ x की जगह -x रखने पर +f(x) दे दे, तो जो फंक्शन हो जाएगा 2 times 0 to a f(x) dx हो जाएगा, और अगर f इज ऑड है -x रखने पर -f(x) दे रहा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी।
एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स दिया गया, पाई बाई 4 लेके आना है। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन है वो इक्वेशन फर्स्ट आपका हो जाएगा, पाई प्रॉपर्टी 4 लगाएंगे, क्या ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये दोनों लिमिटों को जोड़ना है और जहाँ जाएंगे देखते हैं वहाँ पर माइनस एक्स कर देना है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन ए बी साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स ए बी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहीं पर रखा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इक्वेशन सेकंड, जब दो इक्वेशन बन जाए दोनों को हमेशा जोड़ दीजिए, तो आई और आई टू आई हो जाएगा, दोनों में लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कॉमन आ रहा है। पहली वाली इक्वेशन का पार्ट ये रहा प्लस दूसरी वाली इक्वेशन का पार्ट ये रहा, दोनों में एलसीएम लेंगे साइन एक्स कॉस एक्स आएगा वो, तो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जाएगा, डी एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये वन बचेगा। वन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं एक्स होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में 0 टू पाई बाई 2 लिमिट, एक बार पाई बाई 2 रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, तो 2i बराबर पाई बाई 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन लगाइए, धन्यवाद।